यहाँ पे HDFC बैंक का आपने जिक्र किया, उसको लेकर के हमारे कई दर्शकों ने सवाल पूछ रखे हैं। एक तो सवाल है संकल्प पाटिल जी की तरफ से, जो पूछ रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे लेना है 2 साल के लिए। और फिर इंद्र सेन जी हैं मुंबई से, वो पूछ रहे हैं इन्होंने PSU बैंकों में अपने शेयर बेच लिए हैं और अब ये पैसा लगाना चाहते हैं HDFC में या कोटक में, और दोनों ही कंसोलिडेशन फेज में हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रेकआउट प्राइस क्या होगा। एक व्यू तो मेरा ये है राजीव जी कि कोटक से ज्यादा HDFC बैंक रेडी है अपने नेक्स्ट रन के लिए। लेकिन अगर HDFC बैंक की री रेटिंग होगी ना वैल्यूएशन की, तो फिर कोटक के भी पीछे पीछे जरूर होगी। तो पहला रेडी तो मुझे HDFC बैंक ही लगता है, साथ में कोटक भी देख लेते हैं आज कुछ चेंज है क्या। कोटक से ज्यादा HDFC बैंक सर्टेनली मुझे रेडी लगता है। अब दिक्कत क्या है सो बताता हूँ। जब तक गवर्नमेंट फॉर्म होके पोर्टफोलियो डिक्लेयर नहीं हो जाता है, तब तक शायद FIIs का एलोकेशन फिर से एट बे रहेगा, नहीं आएगा तब तक। और वो जब तक आपको आता हुआ नहीं दिखेगा, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन सब में आपको लार्ज मूवमेंट नहीं मिलेगा। बट इवन फ्रॉम डोमेस्टिक फंड स्टैंडपॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक इज रेडी फॉर द शो, वाइल कोटक विल टेक सम टाइम। अब HDFC बैंक में अगर रेडी फॉर द शो है भी, तो भी आप इन्वेस्टर के हिसाब से ही सोचें। HDFC बैंक ट्रेड करने वाला स्टॉक नहीं है। पॉसिबिलिटी है इसकी 1700-1800 वाले रेंज को टेस्ट करने की, मे बी जिस तरह का रिजल्ट अभी आया है। और मैं अगले रिजल्ट में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए रह रहा हूँ ना HDFC बैंक में राजीव, हर बार मैं कहता हूँ कि जून में इनका 1 साल का मर्जर के बाद रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो डेटा कॉम्पेरेबल हो जाएगा फिर HDFC के मर्जर के बाद का, तो व्यू लेने में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और HDFC बैंक को ऑफ लेट मे बी फॉर लास्ट 3 मंथ्स मैंने बहुत एग्रेसिव होते हुए देखा भी है, जो चीजें मैं समझ रहा हूँ, मे बी उसका रिजल्ट HDFC बैंक को देखने को मिलने वाला है अब आने वाले समय में। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेड करना चाहेंगे तो उसकी ट्रैजेक्टरी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो फिर भी यही बनता है कि जब तक 1400 है एवरीथिंग इज हंकी डोरी। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे 1700-1800 वाले रेंज को एक बारी घूम घामना करना चाहिए। जी, लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट क्या रखेंगे इसमें, अगर निवेश के हिसाब से हम सोच रहे हैं तो? देखिए ब्रेकआउट एक तरह से तो हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि 1550 के ऊपर ही क्लोज इसको चाहिए था, बहुत आसपास ही है। एक छोटा सा प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर लिया है 1580 पे, तो 1580 बढ़ के अब पहुंच गया है, 1550 बढ़ के पहुंच गया 1580, उसके ऊपर में मोमेंटम आ जाएगा फर्दर। जी, लेकिन प्रॉब्लम तो ये गैप भी है ना, जो जनवरी का गैप है। वो कवर हो जाएगा, ये जनवरी का 2024 का ये कवर हो जाएगा आराम से, ये ऑन द वे है। बस खाली इसमें कोई भी खब नंबर्स जैसे आ रहे हैं अच्छे ना, ऐसे आते रहे, ये सब रिकवरी कर लेना चाहिए। जी, और ये जो एग्जिट पोल का टॉप है 1600 का, इसको क्या करेंगे? उतनी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, मुझे लगता है 1580 ही काफी होगा, मोमेंटम रीगेन कर लेगा वहीं से, फिर 1600 दे देगा, या तो 1580 ही नहीं देगा, दिया तो फिर जी, 1600 कोई खास मायने नहीं रखेगा। ओके। तो यहाँ पर जो संकल्प जी का सवाल था कि CMP पे लेना है या नहीं लेना है 2 साल के लिए, तो उसके लिए आपको लगता है कि अब ठीक ठाक जगह है ये? इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से तो बहुत वैल्यू है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जिस दिन HDFC बैंक दौड़ेगा आप चाहके जाके ले लीजिए, ले नहीं पाएंगे, आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको 2 साल में 30% का रिटर्न अच्छा लगता है, 35% का रिटर्न अच्छा लगता है इतने बड़े बैंक से, तो पोर्टफोलियो में बना के रखिए।